परीक्षा देकर लौट रहे अभ्यर्थियों से भरी बस बयाना के समूगर पुल के पास खाई में गिर गई, जिसमें करीब 5 दर्जन से अधिक घायल हो गए। एक महिला की मौके पर मौत हो गई। घायलों को बयाना अस्पताल में भर्ती करवाया गया, तो वहीं गंभीर घायलों को भरतपुर और जयपुर रेफर कर दिया गया। उधर घटना की सूचना पर CO अजय शर्मा मौके पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। वहीं सांसद रंजिता कोहली ने फोन कर हालचाल जाना, चिकित्सकों को उचित उपचार करने के निर्देश दिए, तो मंत्री सुभाष गर्ग ने जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता, पुलिस अधीक्षक देवेंद्र विश्नोई से जानकारी ली। मृतक महिला हिंडौन की डॉली शर्मा है। आपको बता दें, बस में अधिकतर परीक्षार्थी थे जो कि पटवारी परीक्षा का पेपर देकर वापस लौट रहे थे। तो भरतपुर से एक खबर है, जहां परीक्षार्थी पेपर देकर लौट रहे थे और उस दौरान बस में ये हादसा हो गया, क्योंकि ज़्यादातर इस बस में अभ्यर्थी ही थे जो परीक्षा देकर लौट रहे थे। लेकिन रफ्तार का कहर देखे कि अभ्यर्थियों से भरी हुई ये बस खाई में गिर गई और एक महिला की मौके पर मौत हो गई। हालांकि जो घायल थे उन सभी को अस्पताल में रेफर किया गया, पहुँचाया गया। 5 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए हैं और अब उनका इलाज चल रहा है। रंजिता कोहली, उन्होंने कहा है चिकित्सकों से कि जो जितना भी खर्चा आए या जितनी भी तुरंत इलाज हो वो तुरंत उनको मुहैया कराएं।